नोबारा कुगिसाकी फाइनली वापस आ चुकी है, जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि नोबारा वापस आएगी। तो जुजुत्सु काइसन का लेटेस्ट चैप्टर 267 ऑफिशियल तौर पर रिलीज हो चुका है, जिसको आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चैप्टर की शुरुआत में हमें यूटर गोजो बॉडी स्वैप ट्रेनिंग के दौरान आपस में बातें करते हुए दिखाए जाते हैं। यूटर गोजो को बोलता है कि वो उसे सुकुना की आखिरी फिंगर दे दे ताकि रिका उसे खा ले और वह सुकुना की श्राइन क्रश टेक्निक को कॉपी कर सके। लेकिन गोजो यूटा की इस रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर देता है और उसके बाद गोजो बोलता है सुकुना की आखिरी फिंगर से यूटा उसकी कर्स टेक्निक को कॉपी तो कर सकता है, लेकिन फिर भी उसकी श्राइन कर्स टेक्निक को एनालाइज करने के लिए इतना काफी नहीं है। यूटा गोजो की बात मानता है और बोलता है कि जब उसने इनुमाकी की कर्स स्पीच को कॉपी किया था तो इनुमाकी की बदन की बिना वो उसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता था। गोजो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये स्मार्ट डिसीजन होगा कि हम सुकुना के साथ अपने कनेक्शन को खो दें। यूटा को कुछ भी समझ नहीं आता तो गोजो बोलता है कि ये बिल्कुल गैम्बल की तरह है, बिल्कुल जैसे हकारी। बाकी तुम उसकी मेलोरन श्राइन को यूज करना चाहते हो तो उसमें अलग बात है। अब यूटा अपनी कर्स टेक्निक के बारे में बताता है कि उसे किसी की टेक्निक को कॉपी करने के लिए अपने ओपोनेंट की किसी बॉडी पार्ट को कंज्यूम करना होगा और जितनी स्ट्रॉन्ग टेक्निक को मैं कॉपी करने वाला हूँ ये चीज उस बात पर डिपेंड करती है कि मैंने उस सोर्सर का कितना स्ट्रॉन्ग हिस्से को कंज्यूम किया है। जैसे कि अगर मैं किसी जुजुत्सु सोर्सर की स्ट्रॉन्ग टेक्निक को कॉपी करना चाहता हूं तो मुझे उसके उस हिस्से को कंज्यूम करना होगा जिससे कि उसे काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा हुआ हो। लेकिन फिर भी उस पार्ट को कंज्यूम करने के बाद भी अगर वो टेक्निक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मुझे बाइंडिंग वो का इस्तेमाल करना होगा ताकि मैं उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकूं। यूटा आगे बताता है कि इसके साथ एक प्रॉब्लम भी है कि मैं जिस भी बंदे की कर्स टेक्निक को कॉपी करता हूं अगर वो अपने खोए हुए बॉडी पार्ट को रिवर्स कर्स टेक्निक की मदद से वापस ले आता है तो मैं कॉपी टेक्निक को पूरे तरीके से कॉपी नहीं कर पाऊंगा और वो टेक्निक यूजलेस हो जाएगी। यूटा बताता है जैसे कि उसने इनुमाकी और हाना के आर्म को कंज्यूम किया था क्योंकि वो आरसीटी की मदद से उन्हें वापस हील नहीं कर सकते थे। इसके अलावा यूटा ने चार्ल्स जो कि दूसरा जुजुत्सु सोर्सर है उसकी कर्स टेक्निक रिब केज को भी कॉपी किया था। हकारी ने उसे बाद में प्रॉमिस किया था कि वो उसे हील कर देगा। मेमे यूटा से पूछती है कि उसे यूजी और सुकुना के रेजोनेंस के बारे में टोडो ने बताया था। यूटा बोलता है कि हाँ उसे इस बारे में पता है, इसलिए सुकुना से फाइट करने से पहले ही वो इस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे और यूजी को इस बारे में बहुत ही कम से कम जानकारी देंगे। अब यूजी को बोलता है कि भले तुम अब उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते लेकिन तुम्हारी बॉडी सुकुना की कर्स टेक्निक के साथ जुड़ी हुई है और इस बात को गोजो सेंसेई ने अपनी सिक्स साइज के साथ भी कंफर्म किया है। अब प्रेजेंट सीन में सुकुना नोटिस करता है कि यूजी के हाथ से दो फिंगर गायब है। एक फिंगर को तो उसने मेगुमी को खिलाया था और तभी वह समझ जाता है कि यूटा ने उसे बेवकूफ बनाया। वह समझ जाता है कि यूटा ने यूजी की फिंगर को कंज्यूम किया था श्राइन टेक्निक को कॉपी करने के लिए। अब हमें उताहिमे और गाकुगांजी एक जगह पर दिखाए जाते हैं जहां पर सुकुना की फिंगर सील है। गाकुगांजी पूछता है कि सुकुना के फिंगर जो कि स्पेशल ग्रेड कर्स ऑब्जेक्ट है वो किसी भी फिजिकल डैमेज या फिर जुजुत्सु प्रोसेसिंग को पेनिट्रेट नहीं कर सकती तो उसकी वो टेक्निक इसे कैसे पेनिट्रेट करेगी। उताहिमे बोलती है कि शायद बाइंडिंग वो की मदद से वो अपनी टेक्निक को एक जगह पर फोकस करके शायद वो ये काम कर सकती है, लेकिन इससे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो बस अभी ही तो जागी है। अभी हमें दोबारा दिखाई जाती है जो कि अपने हैमर को पकड़ कर बोलती है कि खुश हो जाओ लड़कों, और अब वो अपनी रेजोनेंस टेक्निक का इस्तेमाल सुकुना के लास्ट फिंगर के ऊपर करती है। वहीं पर नुबारा की इस टेक्निक की वजह से सुकुना की पूरी बॉडी कांप जाती है। सुकुना रियलाइज करता है कि ये नुबारा की कर्स टेक्निक है। सुकुना बोलता है कि वो लड़की ये बहुत बड़ी गलती है, मेरी कर्स टेक्निक अब मैं अपने डोमेन को ओपन नहीं कर सकता और ये बच्चे मुझे लगातार मार सकते हैं। यूजी रियलाइज करता है कि नुबारा जाग चुकी है और उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। दूसरी तरफ नुबारा यूजी को एड्रेस करते हुए बोलते हैं कि इडियट बताओ ये अटैक कैसा था। अब यूजी सुकुना को रिकवर होने का टाइम नहीं देता और एकदम से सोल डिसमेंटल के साथ उस पर हमला करता है। अब यूजी अपने घुटनों के साथ सुकुना के चेहरे पर हमला करता है और उसे पर लगातार पंच मारने लगता है जिसकी वजह से सुकुना भी पीछे हटने लगता है, लेकिन अब सुकुना हार नहीं मानता और वो वापस से यूजी को पंच मारता है। सुकुना बोलता है कि तुमने ये सचमुच सोचा था कि अपने बेकार डोमेन के साथ तुम मुझे हरा सकते हो। सुकुना सोचता है कि यूजी ने अपनी लिमिट को सरपास कर दिया है क्योंकि वो अपनी इंजरीज को रिवर्स कर टेक्निक की मदद से हील नहीं कर रहा क्योंकि डोमेन काफी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, इसलिए यूजी का खेल खत्म। तभी सुकुना एकदम से कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि यूजी ने उसे अपने डिलेड सेकंड इंपैक्ट पंच के साथ मारा था जिसका असर लेट होता है। यूजी फिर से अपने पंच को तैयार करता है और बोलता है कि चलो इस नेवर एंडिंग कर साइकिल को खत्म करते हैं सुकुना। उसके बाद यूजी सुकुना का एक जोरदार ब्लैक फ्लैश मारता है जिससे कि सुकुना की हालत खराब हो जाती है। अब एडजर एंड में कमेंट करता है कि ये लॉन्ग बैटल अब खत्म होने वाली है और इसी के साथ जुजुत्सु काइसन का ये चैप्टर खत्म हो जाता है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।